तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग। और आज संडे है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम उठ गए हैं क्योंकि आज घर जाना है और वहाँ पे एक छोटी सी सेलिब्रेशन है, सुंदरकांड का पाठ है जैसे मैंने पहले भी बताया था। सो बस रेडी होकर निकलना है अब, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा और फिर जाके वहाँ पर थोड़े बहुत काम भी हैं जो करने हैं। तो मिलते हैं जल्दी दोबारा। फिर से आ गए हैं और अब जा रहे हैं। तो आपको बताया था कि आज घर में सुंदरकांड का पाठ है, तो इस वजह से ऑलरेडी निकल चुके हैं। मौसम बहुत ज़्यादा फॉगी हो रखा है, फॉगी वेदर है। धूप निकल रही है लेकिन अभी भी जगह जगह फॉग है, रास्ता दिख नहीं रहा प्रॉपर वे में। दिखाता हूँ अभी आपको व्यू। जस्ट हैव अ लुक कि मौसम का क्या हाल हो रखा है आसपास। एक्चुअली एरिया खुला है ना यहाँ पे, तो हमें हमारी तरफ ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब एरिया खुला रहता है तो आसपास से हवा लगती है तो फिर ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो ये इस टाइम पे ये मौसम का हाल है। यू कैन चेक कि कुछ नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है कि टेंट सेटअप हो चुका है, अभी मैं दिखाता हूँ एक मिनट। तो एक मेन एंट्री अगर की और ये टेंट सेटअप सारे हो चुके हैं, अभी स्टेज बनेगी एंड फाइनल लुक, तो अभी टाइम लगेगा। सो हेलो एवरी वन, हाउ आर यू? वंस अगेन वी आर बैक और इट वॉज अ वेरी वेरी गुड सेलिब्रेशन। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन गया है और ये मैडम यहाँ पे थके बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, अपनी शक्ल दिखाना, क्या हुआ, थके हुए हो कितना? तो अभी जाके घर में काम भी करना है, मतलब घर का काम तो नहीं करना है, जो रहता है वो कल स्कूल का वो करना है। तो भाई साहब, यहाँ पे हमारा आज पहला फंक्शन जो हमारे मैरिज का था वो हो गया है ख़त्म, और इट वाज अ वेरी गुड फंक्शन, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा। मैंने अपलोड्स डाल दी हैं और देखना एक बार आप। और अभी घर जा रहे हैं, फ्री हो चुके हैं, और अगर ये पीछे आप देख सको तो सारे गर्मी सर्दियों के कपड़े हम लोग अपने लेके आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम छुट्टियाँ मनाने कहीं पर जा रहे हो। हमारे पास अटैचीज हैं, बैग्स हैं, और जब हम चल के आ रहे थे तो लोग हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। एंड क्योंकि मौसम बदल चुका है, आपको पता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं। बाकी मेरा हेयर स्टाइल भी बदल गया, वैसे आगे से बेटर हो गया ना। आज मैं बहुत से लड़कियों ने बोला बोला ना, अरे भाई किसी ने नहीं बोला, मारेगी घर जाके। तो मिलते हैं अब आगे घर में। तो फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग टाइम और
जो गिव अवे के बारे में मैंने बताया था उसके ऊपर क्वेरीज आनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगला गिव अवे भी ऑलरेडी रेडी है, लेकिन अभी उसको रिवील नहीं करेंगे, पहले इस गिव अवे के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें और साथ में अभी दिखाते हैं कि हमारे मैडम क्या काम कर रहे हैं। मैम हेलो, हाय, क्या कर रहे हो? मैं डायरी रेडी कर रही हूँ। स्कूल डायरी अभी बनी नहीं है, नहीं, बन गई है, उसका कवर वगैरह कर रही हूँ। चलो दिखाते मैडम कर क्या रहे हैं। मैडम की शक्ल से आपको देख के लग रहा होगा आज मैडम थक चुके हैं अच्छे से और लगे हुए हैं अपनी सेशन 2022-23 डायरी कंप्लीट करने पे। एक बारी फिर से सांस लें, एक बारी फिर से सांस छोड़े। और ये देखो इतना काम कर दिए कि ड्रेसेस भी पास में रख के बैठी हुई है और ये फट गया टेढ़ा और अब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया भाई, मैंने नहीं। तो ये इनका काम चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा स्केल रख के फाड़ रहे हैं। चलो कुछ हेल्प कर दे। तो भाई साहब माहौल गर्म हो गया है कि उनके कुछ पेपर्स फट गए हैं, अब यहाँ से बाहर निकलने में समझदारी है। और बाहर निकलते निकलते शायद, वैसे मैं इतना बताना चाहूँगा कि आज के वीलॉग में इतना ही है, कवर्ड है, और कल नया वीलॉग लेके आएंगे नए स्क्रिप्ट के साथ, नए दिन के साथ, और बताएंगे आपको हमारे दिन में क्या क्या चल रहा है। एंड अभी जो गिव अवे के बारे में बात हुई है उसके बारे में ध्यान से एक बार सोचें, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जस्ट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दैट गिव अवे। और इंस्टाग्राम पे मैंने गिव अवे अभी डाला है और उसका जो डिटेल्ड वीडियो है दैट इज़ ऑन यूट्यूब। हमारा कल वाला व्लॉग जो था उसके अंदर हमने बताया था कि एम पिन का गिव अवे है और बहुत जल्द हम बैन स्पोर्ट्स का गिव अवे लेके आएंगे। और इंटरेस्टेड लोग, वैसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उसको पहनने में, हमें ज़रूर फॉलो करें। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।